जिला में अब क्रेन यूनियन के लोगों ने भी विद्रोह करना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि कुछ लोगों ने अवैध तरीके से अपने ट्रैक्टर आदि के आगे जुगाड़ करके क्रेन सिस्टम लगाया हुआ है, जिसके चलते उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुनिए उनका इस बारे में क्या कहना है। बात ऐसी है जी, आंदोलन प्रशासन जैसे ही हमारे को कोई सपोर्ट करता है तो हम प्रशासन के साथ हैं। हम ये चाहते हैं भी प्रशासन हमारी हेल्प करे। पहले तो लॉकडाउन ने मार दिया हमारे को, हमारे व्यापार ख़त्म हो गए हैं, और दूसरा अब ये अनऑथराइज जो व्हीकल चल रहे हैं इनकी वजह से हमारा बेतहाशा नुकसान हो रहा है और हमारा बिजनेस जो है 10 से 0 आ गया है, और हमारे रोजगार को और हमारे ऑपरेटरों की सैलरी भी हमारे से पूरी नहीं हो रही जो आज हम अपने पल्ले से दे रहे हैं। हम कितने दिन पल्ले से देंगे और इसका नुकसान हम कैसे पूरा करेंगे। तो सभी क्रेन आज हड़ताल पे हैं। टोटल सिरसा की शहर की पूरी क्रेन, कितनी क्रेन हैं टोटल? क्रेन 25 के लगभग हैं। सारे क्रेन मालिक्स और ऑपरेटरों ने ये लास्ट पे निष्कर्ष निकाला है भी प्रशासन हमारी सपोर्ट करे। कुल मिलाकर कितना स्टाफ हो, मैं कितने लोग हूँ इसमें? सर मान के चलिए 25 से 30 तो स्टाफ हो गया, जिसके अंदर 7 से 8 से 10 12 मालिक हो गए, ओनर हो गए। इसमें ऐसा है कि हमारी जो क्रेन यूनियन बनी हुई है इसके अंदर कुछ गैर कानूनी जो ट्रैक्टर जिनके आगे उन्होंने जुगाड़ करके जिनका कोई पेपर नहीं होता और कानूनी वो वैलिड नहीं होते बिल्कुल भी, उसका कोई इंश्योरेंस नहीं होता, तो वो गैर कानूनी तरीके से वो चल रहे हैं। तो हमने प्रशासन में इसकी शिकायत भी की है 2-3 बार, लेकिन हमारी किसी तरह की कोई भी सुनवाई उनकी तरफ से जो नहीं की जा रही है पूरी नहीं हो रही है। और उसमें क्या है कि हमें भारी नुकसान करना पड़ रहा है। वो उनका एक बिल्कुल देसी जुगाड़ है जिससे नुकसान भी बहुत, पार्टियों को भी नुकसान होता है क्योंकि वो एक जुगाड़ किया हुआ चीज़ है, तो वो चल नहीं पा रही है और हमें इसका नुकसान करना पड़ रहा है। डीजल के रेट है जो आसमान को छू रहे हैं, डीजल के रेट ज़्यादा बढ़ने के चक्कर में उनका जो ट्रैक्टर एक छोटा सा इंजन होता है उसमें, और वो हमारे से जो उनका रेट है वो बिल्कुल भी उसका रेट नहीं ले पा रहे, और हमें उस चीज़ का जो भारी नुकसान करना पड़ रहा है। इस वजह से सारी क्रेन यूनियन वालों ने मिलकर ये फैसला लिया है कि 2 दिन की हड़ताल की जाए। प्रशासन से बातचीत हुई है आपकी पहले? हाँ, प्रशासन से 1-2 बार हमने एप्लीकेशन लगाई है उसके ऊपर, उसका एक बार एक ट्रैक्टर का चलान भी किया गया है, लेकिन वो चलान की जो रेशो थी वो इतनी कम थी, 500 रुपये का एक चलान काटा गया, हालांकि उसका कोई भी पेपर नहीं है, तो फिर भी उसका 500 रुपये का चलान काट के उसे छोड़ दिया गया। इससे वो जो गैर कानूनी साधनों वाले हैं वो बेखौफ होकर वो चला रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, 500 का चलान हो रहा है तो हमारा काम चल जाएगा। तो हमारी प्रशासन से यही अपील है कि उनको बिल्कुल संपूर्ण रूप से उन गैर कानूनी साधनों को बंद किया जाए। आपने सुना कि क्रेन मालिकों का कहना है कि प्रशासन और पुलिस उनको हल्का फुल्का जुर्माना लगाकर छोड़ देते हैं, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वे जोरों शोरों से इस कार्य को लगातार अंजाम दे रहे हैं। साथ ही उनका यह भी कहना है कि वे लोग 2 दिन की हड़ताल कर रहे हैं ताकि प्रशासन उन पर कार्यवाही कर उनको बहाल करने का काम करे। अगर ऐसा नहीं होता तो वे लोग और सख्त एक्शन लेंगे।